हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम योर टीचर ज्योतिरंजन, प्रेजेंट हियर टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर न्यू चैप्टर बॉक्सेस एंड स्केचेस। द नेम ऑफ आवर टॉपिक इज और द नेम ऑफ आवर टूडेज टॉपिक इज बॉक्सेस एंड बॉक्सेस। सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न हाउ ए बॉक्स लुक लाइक व्हेन इट विल ओपेंड। ओके, अगर कोई भी बॉक्स को या फिर कोई भी कागज़ का हो, प्लास्टिक का बॉक्स को हम पूरी तरह से ओपन कर लेते हैं, वो कैसे दिखता है और कौन से शेप को फोल्ड करने से बॉक्स बनता है, ये उसका मेन कंसेप्ट है। तो इस चैप्टर में या इस टॉपिक में जाने से पहले आपको क्लियरली मैं बता दूं कि हम पिछले क्लासेस में दो तरह के बॉक्सेस बनाना सीख गए हैं। पहला एक क्यूब है, दूसरा है ओपन बॉक्स। तो क्यूब बनाने के लिए हमने स्क्वायर ग्रिड का उपयोग किया था और स्क्वायर ग्रिड में हम 6 फेसेस लेके एक क्यूब बनवाए थे। सो टू मेक एन ओपन बॉक्स वी लेफ्ट वन फेस एंड वी गो विथ और वी वेंट विथ 5 बॉक्सेस या फिर 5 फेसेस टू मेक एन ओपन बॉक्स। ओके, सो नाउ टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉक्सेस। ये क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने क्लास में देखा है कि बहुत सारे बच्चे टिफिन बॉक्स लेके आते थे, तो उसमें से कुछ सर्कुलर बॉक्स था या फिर कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्स भी था। उसमें हमने क्यूब जैसा बॉक्स देखा है, रेक्टेंगुलर जैसा बॉक्स देखा है और सर्कुलर बॉक्स भी देखा है। और एक ब्राइट एग्जांपल बॉक्स का है हमारा वाटर बॉटल, जो कि एक सिलिंड्रिकल बॉक्स है। इसी तरह हमने हेक्सागोनल बॉक्स, पेंटागोनल बॉक्स भी देखे हैं। हेक्सागोनल बॉक्स हम कलर में देखे हैं, कलर जो जिसमें हम भर के लाते हैं वो एक हेक्सागोनल पैक में आता है, हमारे क्लास में हम देखे हैं। और कोनिकल बॉक्स भी होता है, कोनिकल बॉक्स भी हम लोगों ने देखा है। कोनिकल बॉक्स में हम क्या किए हैं ना, कोनिकल बॉक्स जो था वो आइसक्रीम कोन जैसा ही था, है कि आइसक्रीम कोन के अंदर हम आइसक्रीम भर लेते हैं तो एक बॉक्स की तरह काम करता है ना, तो वैसे ही कोनिकल बॉक्स भी होते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज बॉक्सेस एंड बॉक्सेस। दिस इज अवर टुडेज टॉपिक, बॉक्सेस एंड बॉक्सेस। सो ऑल द बॉक्सेस आर नॉट क्यूब्स, हियर आर सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉक्सेस। मैच द शेप ऑन द लेफ्ट विथ ए बॉक्स इन टू विच इट विल फोल्ड। ओके, ये एक मैचिंग एक्टिविटी है, तुम्हें दिखाना है कि कौन सा शेप को फोल्ड करने से वो एक बॉक्स जैसा दिखेगा। और बॉक्सेस कौन कौन है, ये है, ये है पेपर कटिंग, ये है पेपर कटिंग और ये है बॉक्स। ओके, पेपर कटिंग को हमें मैच करना है, इस पेपर कटिंग को फोल्ड करने से इसमें से कौन सा बॉक्स बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूँगा ना, मैं अगर इसी स्क्वायर जो हमारा पेपर कटिंग है वो एक स्क्वायर का पेपर कटिंग है, अगर इसको हम रोल करते जाएंगे तब वो इस तरह का बॉक्स बनेगा। ओके, तो ये मैंने एक आपके लिए बता दिया। बाकी जो 3 शेप है इसमें से कौन सा बॉक्स को फोल्ड करने से कौन सा बॉक्स बनेगा, ये आप लोगों का काम है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कर पाएंगे। तो आपके लिए जो आज का काम है वो ज़्यादा काम नहीं है, आपको क्या करने हैं, पहले जो मैथ्स मैजिक कॉपी में दोनों साइड में देखना, एक देखना बॉक्सेस लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पेपर फोल्डिंग, दो कलम बनवाने हैं। तो पहले लेफ्ट साइड में हम क्या बनाएंगे, पहले सपोज लेफ्ट साइड में मैं ये वाला बॉक्स बनाऊंगा, ये वाला बॉक्स का पिक्चर मैंने बना दिया। पिक्चर मैंने बनाने के बाद क्या करूँगा ना, पिक्चर बनाने के बाद उसका जो पेपर कटिंग शेप है, तो ये एक ऐसा ही पेपर कटिंग है, तो इसको मैंने दिखाना है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा होगा, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, फोन का स्क्रीन छोटा है। तो ऐसे ही क्या करेंगे हम, ये यहाँ पे 4 बॉक्सेस को दिखाएंगे, 1, 2, 3, 4, 4 का बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे और उसका पेपर कटिंग ड्रॉ करेंगे, फिर मैच करेंगे। उसके साथ ही साथ आपको 2 बॉक्सेस में एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, वो एक क्यूब का एक ड्रॉ करेंगे, एक ओपन बॉक्स का ड्रॉ करेंगे, यानी क्यूब मतलब जो हमारा बुक में हम पढ़े थे, एक क्यूब ऐसा वाला पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे अपने कॉपी में क्यूब का, ठीक है। और क्यूब ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे,
उसका जो पेपर फोल्डिंग है ये, या फिर ये, या फिर आपके मन से कोई और आप बना सकते हैं। वैसे ही आप एक ओपन बॉक्स का बनवाइएगा। ओपन बॉक्स कौन है ना, ओपन बॉक्स से हमारा ये वाला शेप बनवाएंगे लेफ्ट साइड में, और इसके लिए कौन सा पेपर कटिंग आप देना चाहेंगे वो सपोज ये भी हो सकता है, ये वाला राइट साइड में। ऐसे ही आप दूसरा भी बना सकते हैं। तो और तीसरे में हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का इमेजिन करेंगे। तो ये आपके लिए काम है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करना है, ठीक है। किस तरह का, इसी तरह का। सपोज मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसके लिए पेपर कटिंग क्या होगा आप लोग करके बताएंगे। तो आपके लिए आज का काम मैंने बता दिया, बहुत आसान है। कॉपी में दो कलम बनवाने हैं, एक में बॉक्सेस और दूसरे में उसका पेपर फोल्डिंग। तो जो भी बॉक्स हम बनवाएंगे उसका पेपर फोल्डिंग कैसा होगा ये दिखाने के लिए हम ड्राइंग करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।